बोकारो में स्नातक की छात्रा से गैंगरेप, गांजा तस्करी और युवक पर जानलेवा हमले के संगीन आरोपी प्रमोद ओझा को गुरुवार की देर रात सेक्टर 3 से गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद ओझा को बोकारो पुलिस रिकॉर्ड में मोस्ट वांटेड अपराधी की श्रेणी में रखा गया है। जिले के बीएस सिटी, बालीडीह, चास महिला समेत कई थानों की पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। 10 फरवरी को स्नातक की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसमें कोऑपरेटिव में सहयोगी आरजू मलिक, जालिम अंसारी, नितेश पांडे, प्रमोद ओझा शामिल थे। इस मामले में चारों अपराधी और जबरन शादी कराने वाले पंडित के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के लिए एसपी चंदन कुमार झा ने एसआईटी टीम का गठन किया था। इसी कड़ी में गुरुवार को सिटी व चास महिला पुलिस ने टाउन डीएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में संगीन अपराधी प्रमोद ओझा को सेक्टर 3 के एक मकान से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। 3/2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि कान के प्राथमिकी अभियुक्त जो महिला थाना में गैंग रेप के प्राथमिकी अभियुक्त हैं, उन गुप्त सूचना के आधार पर बीएसटी थाना के गश्ती दल के द्वारा और डीआईएसपी नगर के मदद से छापेमारी कर उसे उसके क्वार्टर से गिरफ्तार किया गया है। छापामारी शाम के संध्या करीब 6:30 और 7 के बीच में हुई है। क्या इसमें और किसी की संलिप्तता है मैडम? कान में और किसी की संलिप्तता है, जिसकी कार्रवाई की जा रही है और छापामारी लगातार की जा रही है। इसका भाई मैडम रिपोर्ट क्या है, आपराधिक रिपोर्ट है? जिसका आपराधिक इतिहास है बोकारो जिला के अन्य थानों में।